हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए लेक्चर थर्ड के बाद हम लोग आते हैं लेक्चर फोर्थ। थर्ड सॉरी हाँ सही लेक्चर फोर्थ। अच्छा, हम लोग लेक्चर थर्ड में जो पढ़ रहे थे लास्ट में, तो शायद फिफ्थ पॉइंट चल रहा था। अनलेस अंटिल इलेक्ट्रॉन और एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन फैक्स, या ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, या तो जब तक एनर्जी रिलीज न कर दे और न ही वो गेन न कर दे, एब्जॉर्ब न कर दे, तब तक उसी में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमने एक वर्ड यहां पर बोला रिलीज एंड एब्जॉर्ब। तो पहले एब्जॉर्ब को समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा। एब्जॉर्ब मीन्स हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एनर्जी दे दोगे तो लो एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो आप ही सोचो ना यार, आपको अगर 10 रुपया था, किसी ने 1 लाख रुपया दे दिया, पैसा बढ़ गया ना, फिर पैसे वाले बन गए ना। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी दे दिया जाए तो लोअर एनर्जी से कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। पर हायर से फिर रिटर्न आना चाहे उसको एनर्जी रिलीज्ड करना होगा। तो यहां दो टर्म आता है, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जैसे पहले हम थे, अब मान लो कि 1 लाख रुपया दे दिया, हम एक्साइट हो गए, अब घर बनवाने लगेंगे फिर आसमान पे, आप लोग भी आओगे पार्टी दे देंगे आसमान पे। देखिए कुछ तैयारी करते हैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, कि उसी प्रकार चलो वापस आ गए जमीन पे थोड़ा सा। कि ग्राउंड स्टेट वो हुआ कि रियल में हम जहां थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो उसका ग्राउंड स्टेट हुआ। बट आपने उसको जब एनर्जी दे दी, और जैसे ही आपने एनर्जी दे दिया वो एक्साइट हो गया। एक्साइट मीन्स उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी, बोलो भाई, स्टेबिलिटी घट जाता है। किसी भी सिस्टम का कोई भी हो, यदि एनर्जी बढ़ जाता है उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चला जाते हैं। तो लिख लेना थोड़ा हेडिंग, देखो ये फिफ्थ पार्ट में ही है, ऐसे लिखो, बट दो टर्म है नए, तो इनका किसी पार्ट से रिलेशन नहीं है। देखो ग्राउंड स्टेट, बट इतना याद रखो कि जो हमने कहें ग्राउंड स्टेट, ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो जब वहां पे आएगा बार बार ग्राउंड स्टेट, इसलिए यही समझ लेते ना ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ठीक है, देख ले भाई, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। स्टेट जब भी होगा एन बराबर 1, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट को ही बोलते ग्राउंड स्टेट, उससे कोई लोअर एनर्जी नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो एटलीस्ट सबसे भी ग्राउंड में है तो फर्स्ट एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट।
यदि ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी कहीं से अब्जॉर्ब कर ले, वह इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, एक्साइट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्साइट। ठीक है भाई, एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, कोई भी एनर्जी स्टेट में है इलेक्ट्रॉन बट लोवेस्ट में नहीं है, इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब कुछ बच्चों के सब ये क्या है, जैसे ग्राउंड स्टेट में था एन बराबर में, इसमें हो जाएगा एन बराबर टू थ्री फोर फाइव एन फाइव, यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट को छोड़कर के किसी भी एनर्जी स्टेट में है उसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट तब बोलेंगे जब वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में होगा। ठीक है, तो जैसे देखो अगर फर्स्ट से ऐसे ग्राउंड स्टेट एन बराबर वन, ठीक एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड, अगर एन बराबर वन से जब एक्साइट होगा एन बराबर टू मिल जाएगा, या फिर एन बराबर थ्री, या फिर एन बराबर फोर, या फिर एन बराबर एन चला गया। अगर एन बराबर वन से अगर टू में गया इसको होते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर थ्री में चला गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ में चला गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, टेंथ में चला गया नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। मीन्स ये हुआ अगर जिस सेल में होगा उसे अगर एक काम कर देंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे अब मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कन्फ्यूज भी होंगे, जैसे वो अभी टेंशन में आते हैं, ठीक है, इस बार जो छठवां पास हुए थे ना वहां पे अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहां का टेंशन मत बनाइएगा। ठीक है, हाँ आप फिर से सुन लीजिएगा कि भाई अगर फर्स्ट से पहली पहली बार और सेकेंड में चला गया किसमें फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड से मान लो थर्ड में चला गया सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड से मान लो फोर्थ में चला गया थर्ड एक्साइटेड हो गया। ठीक है, अगर टेंथ में चला गया नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट, आपको कॉपी पे क्या करोगे इसको कॉपी पे कैसे नोट करो वो भी देख, आपको सिर्फ कॉपी बस इतना ही देंगे। बस ये सिर्फ ऐसे ही करना, ठीक है, बस ऐसे ही। क्योंकि ग्राम स्टेट को जब एन बराबर हो अगर इलेक्ट्रॉन टू में जंप करके चला गया तो पहला फर्स्ट एक्साइटेड, थ्री में चला गया तो सेकेंड एक्साइटेड, जिस में जाएगा उसमें से एक काम कर दीजिए। ये ग्राउंड स्टेट है, जैसे मान लो कल मेरे पास एक रुपया था, मुझे किसी ने पैसा दे दिया मेरे पास सौ रुपया हो गया और मैं तो एक्साइट हो गया, पर मुझे कोई लिया कितना होगा निन्यानवे रुपया नाइन्टी नाइन रुपीज, वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन साइड स्टेट में जिसमें भी हो उसमें से वन कम कर दे,
पता चल जाएगा भाई हमें वो कितना दिया गया था, इस चुनाव में पता करते हैं। ये जो प्रधान जीते हैं जो हारे हैं, जो हारे हैं उनका कम होता है और जो जीते हैं उनका ज्यादा हो जाता है। ज्यादा से कम घटा तो पता चला कितने वर्ष से जीते हैं। नोट कर भाई से नोट करो भाई, ग्राउंड स्टेट क्या है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, एन बराबर वन। एक्साइटेड स्टेट में क्या एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। जब नोट हो गया तो चला जाते हेडिंग को सिक्स पांच से बीच सिक्स पास टू डेट। ऐसे भी नंबर सिक्स इसको तरह डायग्राम से समझा रहे हैं। जैसे एन बराबर वन, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री, एन बराबर फोर, देख रहा है। तो यहां पे ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम बोलते ग्राउंड स्टेट, इसी का बोलते ग्राउंड स्टेट। तो अगर मान लो उसे कुछ एनर्जी दिया गया तो हो सकता है साइड होके टू में चला जाए, इसी को तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर यहां से साइड होकर के इसमें चला जाए थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, या ये फोर्थ में चला जाए तो ये बोलते थर्ड एक्साइटेड। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कर गया ना, तो हो सकता है जंप करके सेकेंड में चला जाए, या और ज्यादा एनर्जी मिल गया तो थर्ड में चला जाए, और मिल गया तो फोर्थ में चला जाए। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले डायग्राम को नोट कर लो भाई, बना पहले कुछ ज्यादा सलो नोट करेगा ना, नोट हो गया सबका।